हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जून पॉलिटिकॉन। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे लिबर्टी पे। तो लिबर्टी जो है, ये जो चैप्टर है, मैंने राजीव भार्गव के जो इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी बाय राजीव भार्गव एंड अशोकाचार्य उनके द्वारा जो एडिट किया हुआ है, तो उस बुक से ये मैंने लिया। तो हम लोग इसी के बेसिस पे जो है डिस्कस करेंगे कि लिबर्टी में क्या क्या इस बुक्स में, इस चैप्टर्स में कवर किया गया है, ठीक है। और ये एग्जाम के परस्पेक्टिव से ये टॉपिक, मतलब जो पॉलिटिकल थ्योरी ही पूरा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। इसमें है कि कंसिडर द फॉलोइंग सेंटेंसेस, द बीए क्लास वांट्स टू हैव ए फ्री पीरियड, ठीक है। स्टेट ऑफ अफेयर्स, आई फील फ्री टू टॉक टू माई टीचर, आई एम टोटली फ्री टू चूज माई करियर, इवन इन द 21st century अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ साउथ एशियन पॉपुलेशन इज नॉट फ्री फ्रॉम द क्लासेस ऑफ पॉवर्टी, no country should be denied its freedom, denial of a sense of dignity। यहाँ पे लिबर्टी को समझाने की कोशिश की गई है कि लिबर्टी के कितने सारे मीनिंग्स होते हैं। यदि हम किसी को लिबर्टी दे रहे हैं तो क्या हम सिर्फ उसको चॉइस का लिबर्टी दे रहे हैं, क्या वो कंडीशन फुलफिल कर पा रहा, नहीं कर पा रहा है। लिबर्टी तो है लेकिन फिर भी डिनाइल ऑफ मटेरियल नीड्स वो कितना हो पा रहा है उससे। तो मतलब लिबर्टी का मतलब क्या है कि हम, जैसे कि सपोज दैट अगर कोई मेरा बेटा है या बेटी है और हम बोलेंगे तुम्हें लिबर्टी है तो तुमको जो करना है करो, आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प यू विद एनी मनी और एनी फाइनेंशियल नीड्स। तो क्या लिबर्टी ये है कि अपने बच्चों को पूरी तरीके से छोड़ देना, या लिबर्टी ये है कि हम आपको मटेरियल नीड्स भी फुलफिल करेंगे, लेकिन उसके अलावा उस मटेरियल नीड्स यानी पैसे का कैसे आपको यूज करना वो आप पे डिपेंडेंट है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है लिबर्टी का, इसमें डिस्कस करेंगे हम लोग। इसमें कहा गया है कि लेट अस सब्स्टिट्यूट द टर्म लिबर्टी वेयर एवर फ्रीडम हैज बीन यूज्ड इन द अबव इंस्टेंसेस। ईच ऑफ दिस सेंटेंस ब्रिंग टू द फोर अ डिफरेंट डायमेंशन ऑफ द कंसेप्ट डिफाइंग ए सिंगल डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी। दे आल्सो हाईलाइट कंसेप्ट्स अदर देन लिबर्टी, इक्वालिटी, राइट्स एटसेट्रा। हाउ डज वन देन डिलिनेट एंड डिस्टिंग्विश द कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी। इसमें यह कहा गया है कि जो लिबर्टी का पूरा कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ लिबर्टी अगर सिर्फ अवेलेबल कराएंगे तो नहीं होगा, हमें लिबर्टी के साथ इक्वलिटी, राइट्स, जस्टिस, ये सारी चीज़ अवेलेबल कराने पड़ेंगे। तो यहाँ पे जो बात, ये जो कुछ जो यहाँ पे जो टर्म है, यहाँ पे जो ये जो पूरा लाइन लिखा हुआ है, ये सिर्फ लिबर्टी को नहीं दिखा रहा है बल्कि इसके साथ हमें इक्वलिटी को भी दिखा रहा है, राइट्स को भी दिखा रहा है, जस्टिस को भी दिखा रहा है, ठीक है। लिबर्टी जब हम कहते हैं तो इसका मेनली तीन मतलब होता है। द कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी कैरीज 3 कोनोटेशंस, the notion of choice, the absence of constraints to make and exercise such a choice, and the existence condition that enable you to actuate the choice। अगर कोई लिबर्टी का मतलब बोल रहा है तो उसका 3 मतलब में होता है। पहला कि आपको चॉइस करने का आज़ादी है, notion of choice। दूसरा the absence of constraints, यदि आप चॉइस करने जा रहे हैं तो कोई बाहरी आप पे कोई constraints नहीं लगाएगा, मतलब रोक नहीं लगाएगा उस चॉइस को एक्सरसाइज करने में। और तीसरा एग्जिस्टेंस कंडीशन, आप अपने चॉइस को एक्सरसाइज कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, इसके लिए एक एग्जिस्टेंस कंडीशन भी हमें फुलफिल करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो 3 मतलब हुआ लिबर्टी का। पहला नोशन ऑफ चॉइस, चॉइस करने की आज़ादी हो आपको, आप चॉइस को एक्सरसाइज करना चाहते हैं, इसके लिए कोई एब्सेंस ऑफ कॉन्स्टेंट्स होना चाहिए, मतलब बाहरी दबाव नहीं होना चाहिए। और एग्जिस्टेंस कंडीशन जो है वो ऐसा होना चाहिए कि आप अपने चॉइस को एक्सरसाइज कर सकें। 3 मतलब, ठीक है। तो लिबर्टी का जो ये 3 मतलब है, चॉइस, एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट्स एंड एग्जिस्टेंस कंडीशन। अब हम लोग देखेंगे कि फिलोसफिकल आउटलुक में जो पुराने लोग, जो फिलोसफी, जो पॉलिटिकल फिलोसफर थे, उन्होंने इनको किस तरीके से लिया, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला नाम जो है वो हॉब्स का है। हॉब्स का ये मानना था, अकॉर्डिंग टू हॉब्स लिबर्टी और फ्रीडम सिग्निफाइज द एब्सेंस ऑफ ऑल इम्पेडिमेंट्स टू एक्शन दैट आर नॉट कंटेंड इन द नेचर एंड इंट्रिंसिक क्वालिटी ऑफ द एजेंट। As Hobbes would explain, it is proper to state that the person who is tied with chains wants the liberty to live, as the impediment is not in the person but in his chains, whereas that cannot be said of one who is sick or lame, because the impediment is in oneself. Fear and necessity for Hobbes are the motivating factors in human nature that impel them towards liberty. As he explains, a man sometimes pays his debts only for fear of imprisonment, which because nobody hindered him from detaining was the action of a man at liberty, ठीक है। तो हॉब्स का ये कहना था कि लिबर्टी और फ्रीडम जो है वो ऐसा होना चाहिए कि एब्सेंस ऑफ ऑल इम्पेडिमेंट्स, हमें जितने भी जो कॉन्स्टेंट्स है उसका एब्सेंस होना चाहिए, वहीं पे लिबर्टी है। अब उसका ये मानना था जो हॉब्स का स्टेट का नेचर तो वो कैसा था, एब्सोल्यूट था, जो राजा होगा वो एब्सोल्यूट होगा, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, ठीक है। तो उनका ये कहना था कि मतलब जो सब्जेक्ट्स है या जो सिटीजन है उसको लिबर्टी वहीं पे है जहाँ पे लॉ साइलेंस है, लिबर्टी इज वेयर लॉ इज साइलेंस। हॉब्स का ये मानना था कि लिबर्टी इज वेयर लॉ इज साइलेंस, मतलब जहाँ पे जो एब्सोल्यूट है, जो किंग है या फिर जो पार्लियामेंट है या जो स्टेट है, जहाँ पे उन्होंने लॉ बना दिया है वहाँ पे आपको लिबर्टी नहीं है, आपको लिबर्टी वहीं पे है जहाँ पे कोई लॉ नहीं है। तो ये तो हॉब्स का जो पूरा लिबर्टी था, ऐसे कह सकते हैं कि हम लोग क्या है वो पूरी तरीके से निगेटिव लिबर्टी है, मतलब एब्सेंस ऑफ ऑल इम्पेडिमेंट्स, ठीक। टू इशू इसके साथ इमर्ज हो रहा है, क्या कैन द एक्ट ऑफ वन टू प्रिजर्व वन सेल्फ बी जस्टिफाइड एज एन एक्ट ऑफ लिबर्टी इवन इफ इट वायलेट्स द सेफ्टी ऑफ अनदर ह्यूमन बींग्स। टू डू यू थिंक द एक्शन ऑफ ए पर्सन बेस्ड ओनली ऑन फियर और नेसेसिटी इज एन एक्ट ऑफ लिबर्टी। क्या अगर हम खुद को लिबर्टी जो है खुद को सेव करने के लिए अगर हम किसी दूसरे ह्यूमन बींग के सेफ्टी को वायलेट कर रहे हैं तो क्या भी वो लिबर्टी के अंदर आएगा, क्या लिबर्टी के डेफिनेशन में वो होगा। और दूसरा, क्या आपको ऐसा लगता है कि केवल फियर और नेसेसिटी के बेस पे किसी इंसान का जो एक्ट है वही लिबर्टी है। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कि आफ्टर ऑल द बेगर इज नॉट फिजिकली रेस्ट्रेंड बाय एनीबॉडी इन द एक्ट ऑफ बेगिंग। अब जो भिखारी है किसी के द्वारा फिजिकली रेस्ट्रेंड तो नहीं किया जा रहा, तुमको भीख मांगना ही है ना, आजकल कंडीशन में तो होते भी हैं। तब हम लोग इसमें आगे चलते हैं। हॉब्स का जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिबर्टी था बेस्ड ऑन कंसिडरेशन ऑफ फियर एंड नेसेसिटी रैदर देन चॉइस, डज नॉट मेक ए क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन एक्ट्स ऑफ लिबर्टी एंड एक्ट्स अंडर द थ्रेट ऑफ कर्सन। तो हॉब्स का जो लिबर्टी का अंडरस्टैंडिंग था, उनको ऐसा लगता था कि फियर और नेसेसिटी के बेसिस पे जो भी हम काम कर रहे हैं वो लिबर्टी के अंदर आएगा, और इस कारण से जो है वो इस बात में डिस्टिंक्शन नहीं कर रहा था कि एक्ट्स ऑफ लिबर्टी जो है वो चॉइस के बेसिस पे है या फिर थ्रेट ऑफ कर्सन के बेसिस पे है, कि हमें कोई बाहरी दबाव के कारण हो रहा है, ठीक है। इसमें है कि फॉर चॉइस टू बी एक्सरसाइज्ड इन द एक्सरसाइज ऑफ लिबर्टी एग्जिस्टेंस कंडीशन हैव टू एग्जिस्ट। अगर हम अपने लिबर्टी को एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो वैसा कंडीशन भी अवेलेबल होना चाहिए। सच कंडीशन कैन इंक्लूड मटेरियल रिसोर्सेज एज वेल एज ए मोरल फ्रेमवर्क। द स्कोप टू एक्सरसाइज चॉइस इन ए मोरल फ्रेमवर्क फाइंड्स प्लेस इन लॉक्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट। अब जो है हम लिबर्टी को अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमें मटेरियल रिसोर्सेज चाहिए और मोरल फ्रेमवर्क के अंदर होना चाहिए। हॉब्स में कोई मोरल फ्रेमवर्क नहीं था, यानी आप अपने आप को सेव करने के लिए किसी दूसरे की कत्ल भी कर सकते हैं, आप वैसा काम भी कर सकते हैं तो दूसरे को हार्म पहुंचाए। तो वहाँ उनके लिबर्टी में ऐसा कोई मोरल फ्रेमवर्क नहीं था, बस उनका सिर्फ एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इम्पेडिमेंट्स होना चाहिए और स्टेट वहाँ पे कोई लॉ नहीं बनाए। स्टेट वहाँ पे कोई लॉ नहीं बनाए तो आपको लिबर्टी है, और एक्सटर्नल इम्पेडिमेंट्स नहीं होना चाहिए। अब जो लॉक का कंसेप्ट ऑफ नेचर है वो हम लोग देखते हैं। बिगिनिंग ऑफ चैप्टर में एक क्वेश्चन था कि आई एम टोटली फ्री टू चूज माई करियर। द बेसिकली थ्रोज अप 2 पॉइंट्स, ठीक है। नो वन शुड डिक्टेट टू मी व्हाट माई करियर शुड बी, सो इफ आई वांट टू बी ए वीजे और ए राइटर आई शुड नॉट बी फोर्स टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर और डू एन एमबीए कोर्स। हाउएवर माई चॉइस ऑफ करियर शुड नॉट हार्म एनीबॉडी, सो आई शुड नॉट चॉइस करियर एज ए थिप और ए मर्डर। हम कोई भी चॉइस जो है अपने करियर का सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई हमें फोर्स नहीं करेगा, बस इसमें एक ही कंडीशन है कि हमारा जो करियर का चॉइस है वो किसी दूसरे को हार्म नहीं पहुंचाए, यानी हम कोई चोर या मर्डरर नहीं बने, ठीक है। अब लॉक का अंडरस्टैंडिंग जो था वो ये था। लॉक ने 3 नेचुरल राइट्स बताया था, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। तो लिबर्टी उसमें एक बहुत ही इन्नेट उसका नेचुरल राइट्स था। द मोरल फ्रेमवर्क इज बेस्ड ऑन द लॉज ऑफ नेचर ऑफ विच इक्वलिटी इज ए सेंट्रल टेनेट। जो मोरल फ्रेमवर्क था लॉक का वो लॉज ऑफ नेचर में था, और लॉज ऑफ नेचर जो था उनके हिसाब से इक्वलिटी उसका सेंट्रल टेनेट था, मतलब इक्वलिटी वहाँ पे था उन लॉज ऑफ नेचर में। लॉक के लॉज ऑफ नेचर में शांति था, हॉब्स के नेचर में क्योस था, लेकिन लॉक का जो स्टेट ऑफ नेचर था वो वहाँ पे इक्वलिटी था, शांति था, लोग एक दूसरे से लड़ पीट नहीं रहे थे। द लॉज ऑफ नेचर अकॉर्डिंग टू लॉक इज दैट नो वन आउट टू हार्म अनदर इन हिज लाइफ, हेल्थ, लिबर्टी और पोसेशंस, ठीक है। लिबर्टी एज ए नेचुरल राइट फॉर लॉक इज नो मोर देन द लिबर्टी टू डू व्हाट द लॉज ऑफ नेचर अलाउज। इन अदर वर्ड्स, व्हाट इज मोरली परमिटेड फॉर लॉक, इच इंडिविजुअल इज फ्री टू द एक्सटेंड एक्सरसाइज ऑफ फ्रीडम डज नॉट वायलेट द टेनेट ऑफ इक्वलिटी। लॉक के हिसाब से कोई भी व्यक्ति उसी हद तक अपने लिबर्टी को एक्सरसाइज करने का अधिकार रखता है जहाँ तक वो इक्वलिटी का जो विचार है उसको वायलेट नहीं कर रहा है। The exercise of liberty should not be at the cost of equality. लॉक के अकॉर्डिंग जो exercise of liberty है वो equality के cost पे नहीं होना चाहिए. ठीक. As a natural right, liberty is a universal right. क्योंकि natural right था तो liberty एक universal right है. मतलब जो universal right मतलब सार्वभौमिक. ठीक. As a natural right, liberty is innate in human nature, is universal and can be apprehended by reason. अगर हम यहाँ फिर आगे चलते हैं तो यहाँ है एज ए नेचुरल राइट लिबर्टी प्रीसेड्स सिविल एंड पॉलिटिकल सोसाइटी इन लॉक्स थॉट. क्योंकि जो नेचुरल राइट है लिबर्टी इसीलिए सिविल और पॉलिटिकल सोसाइटी से भी पहले था. सिविल पॉलिटिकल सोसाइटी बाद में बना लेकिन लिबर्टी उससे भी पहले था. और हाँ, लॉक का ये था कि लिबर्टी वहीं है आपको जहाँ पे स्टेट लॉ बनाए. ठीक है, दोनों में अंतर है. हॉब्स ने ये कहा था कि आपको लिबर्टी वहाँ पे है जहाँ पे स्टेट कोई लॉ नहीं बनाता है. लॉक का ये मानना था कि लिबर्टी वहाँ है जहाँ स्टेट लॉ बनाए. लॉकियन इंडिविजुअल इज गाइडेड बाय द फैकल्टी ऑफ रीजन इन द एक्सरसाइज ऑफ फ्रीडम इन कंडीशंस दैट आर अल्टरेबल. सो द लॉकियन इंडिविजुअल विल नॉट सीक द फ्रीडम टू वांट टू फ्लाई लाइक ए बर्ड बट विल सीक द फ्रीडम टू बी हर्ड इवन इफ इन अ माइनॉरिटी. ठीक, अब हम लोग आगे चलते हैं इसमें. तो हम हॉब्स पढ़ लिए और लॉक पढ़ लिए. तो हॉब्स की जो एक्सरसाइज ऑफ लिबर्टी इज इधर प्रिजर्विंग वनसेल्फ और ऑपरेटिंग विद इन ए मोरल फ्रेमवर्क. अब जो हॉब्स का था वो था कि खुद को प्रिजर्व करना है, बस वही आपका लिबर्टी है. लॉक था कि इतना आपको लिबर्टी एक्सरसाइज करना है कि किसी दूसरे का कोई दूसरे को आप हार्म नहीं पहुँचाए, मोरल फ्रेमवर्क के अंदर होगा वो. और दूसरा, इक्वलिटी के टेनेट को जो है वो वायलेट नहीं करें. ठीक है. अब लेकिन इसे क्या है कि बट नीदर ऑफ दिस कंसेप्शंस एड्रेसेस द हिंड्रेंसेस ऑफ हायरार्की एंड इनइक्वालिटी इन द एक्सरसाइज ऑफ लिबर्टी. लेकिन इसमें से दोनों में से कोई भी जो हॉब्स और लॉक दोनों में से किसी ने उस चीज़ों को नहीं सामने रख पाया जो हिंड्रेंसेस होते हैं हायरार्की और इनइक्वालिटी का, हमें लिबर्टी को एक्सरसाइज करने में जो हायरार्की और इनइक्वालिटी हिंड्रेंसेस क्रिएट करता है. और ये कंसेप्ट हमें कहाँ मिलता है? रूसोज के थॉट में. तो अब रूसो का क्या था? Rousseau considered freedom as a collective venture and as freeing oneself from selfish motives towards a larger good for the entire group. ठीक है, रूसो का ये मानना था फ्रीडम जो कलेक्टिव वेंचर है, मतलब हम फ्रीडम को एक्सरसाइज करेंगे तो पूरा सोसाइटी को देख के करेंगे. और ये क्या है? फ्रीइंग oneself from selfish motives towards a larger good for the entire group. जनरल विल का जो उनका कॉन्सेप्ट था उन्हीं से ये मिला जुला हुआ था. उसमें था कि खुद को जो है सेल्फिश मोटिव से फ्री करना है और हमें एक इंटायर ग्रुप के लार्जर गुड के लिए काम करना है. ठीक है ना. Unlike Hobbes and Locke, liberty is not a natural right for Rousseau. Hobbes और Locke दोनों के लिए liberty natural right था लेकिन Rousseau के लिए ऐसा नहीं था. Liberty for him is a liberation from a state of unfreedom which comes into being with the emergence of civil and political society. तो liberty जो Hobbes Rousseau के लिए था, liberty for him is a liberation from a state of unfreedom which comes into being with the emergence of civil and political society. मतलब सिविल और पॉलिटिकल सोसाइटी के बनने के कारण जो अनफ्रीडम क्रिएट हुआ, जो इनइक्वालिटी क्रिएट हुआ, लिबर्टी वही है. उसी को लिबर्टी लिबरेशन उनके हिसाब से वही होना चाहिए जो सिविल और पॉलिटिकल सोसाइटी के कारण जो इनइक्वालिटी क्रिएट हुआ. ठीक है. तो कॉन्स्टेंट्स ऑन लिबर्टी रिफर टू द कॉन्स्टेंट ऑफ वंस बेशर नेचर दैट डज नॉट फैसिलिटेट ह्यूमन नेचर टू थिंक ऑफ द गुड ऑफ ऑल. इंसान का जो बेशर नेचर होता है, वो बेस का जो नेचर होता है वो सेल्फिश मोटिव से मिला होता है, सेल्फिश मोटिव्स होता है उसमें वो, और वो सभी के गुड्स के लिए काम नहीं करता है. ठीक है. तो वहाँ पे क्या करना है हमें? लिबर्टी को वहाँ पे अपने बेसर नेचर, अपने सेल्फिश मोटिव्स को त्यागना है और हमें ह्यूमन नेचर जो सभी के गुड ऑफ ऑल के लिए काम करता है उसको डेवलप करना है. तो कॉन्स्टेंट्स ऑल्सो रेफर टू द इनइक्वालिटी इन सोसाइटी दैट डज नॉट अलाउ फॉर द एक्सरसाइज ऑफ लिबर्टी. अब उनका ये मानना था कि ए पीपुल इज लिबरेटेड ओनली थ्रू ओबीडियंस टू लॉ. उनका ये मानना था कि कोई भी व्यक्ति तभी आज़ाद है, तभी लिबरेट है जब वो लॉ को मान रहा है जो लॉ उन्होंने स्टेट के द्वारा बनाया गया. जो जनरल और लॉ का कैसे बनता है वो जनरल लॉ पे, जनरल विल पे बेसिस होता है. फॉर रूसो वन इज लिबरेटेड व्हेन वन इज फ्री ऑफ पर्सनल सर्विट्यूड. कोई भी तभी फ्री है जब हम अपने पर्सनल सर्विट्यूड से जो है आज़ाद हैं, अपने व्यक्तिगत भलाई, अपने जो व्यक्तिगत सुख संपदा है उसको, उससे जब तक हम आज़ाद होंगे तभी हम लिबरेट हो रहे हैं. ठीक है. और रूसो का ये भी मानना था कि उन्होंने अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन्स. द एलिमेंट ऑफ चॉइस इन रूसोस थॉट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग. it appears that he seems to equate choice with the right to choose the right option, where the right option is pre-decided. अब जो रूसो का जो थॉट था लिबर्टी का, वो और उसमें जो लिबर्टी का जो था उसमें जो चॉइस करना होता है आपको, वो खुद के बेसिस पे नहीं करना है बल्कि लार्जर गुड पे करना है. तो राइट टू चूज विद द राइट ऑप्शन, वेयर द राइट ऑप्शन इज प्री डिसाइडेड. और प्री डिसाइडेड क्या है कि जो लार्जर गुड है सोसाइटी के, उसके बेसिस पे होगा. एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं ज़्यादा क्लियर होगा. Driving a car can be seen as something that contributes to a bicycle rather than drive a car. So the exercise conditions would be tailored not towards conditions that enable them to drive a car, but conditions that are friendly to cyclists and pedestrians, as also conditions that would check pollution levels and be in the interest of a larger good. तो यहाँ पे आपको चॉइस जो है केवल लिबर्टी, रूसो के थॉट में लिबर्टी केवल ये नहीं है कि आप कार भी ड्राइव कर सकते हैं, आप बाइसाइकिल भी ड्राइव कर सकते हैं. तब तक कर सकते हैं जब तक किसी दूसरे का आप एक्सीडेंट नहीं कराए. नहीं, रूसो के थॉट में ये आएगा कि कार ड्राइव करने के से ज़्यादा अच्छा है कि आप साइकिल ड्राइव करें, क्योंकि ये पॉल्यूशन के लिए, इन्वायरमेंट के लिए ज़्यादा अच्छा होगा. इसीलिए वहाँ पे ऐसे रोड्स हमें डेवलप करने हैं जो पेडेस्ट्रियंस के लिए अच्छे हों, पैदल चलने वालों के अच्छे हों, और जो है पॉल्यूशन को जो है चेक करें. तो ये राइट ऑप्शन है, मतलब राइट टू चूज विद द राइट ऑप्शन. चूज करने का अधिकार है आपको, लेकिन ऑप्शंस आपके सही होने चाहिए, राइट होने चाहिए, लार्जर गुड के लिए होने चाहिए, सोसाइटी के लिए होने चाहिए, जनरल विल पे बेस होने चाहिए, अपने पर्सनल सर्विट्यूड से आज़ाद होना चाहिए. ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि फ्रीडम इज अबाउट सीकिंग प्लेजर एंड अवॉइडिंग पेन. यूटिलिटेरियन थ्योरी जो है फ्रीडम का वही है कि लिबर्टी ऑफ बेंथम, इसमें था ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर की व्यू थ्रू द यूटिलिटेरियन मैगजिम ऑफ, मतलब लिबर्टी फॉर बेंथम इज viewed through the utilitarian maxim of greatest happiness of the greatest number. In this view, the liberty of the rapist or the murderer comes into practical competition with that of the victim. इसमें मतलब ये है कि लिबर्टी वहीं पे है जहाँ पे सबसे अधिक लोगों का सबसे अधिक ज़्यादा फायदा हो, मतलब प्लेजर और पेन का मेन कॉन्सेप्ट है इसमें. लेकिन इसको काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया चार बेसिस पे. देख लेते हम लोग कौन कौन है. ठीक है, हाँ, इसमें दो चीज़ें और है कि प्लेजर को कैसे काउंट किया जाता था. तो उन्होंने एक फैलिसिफिक कैलकुलस के बेसिस पे प्लेजर को बोला कि हम खुशी को, हैप्पीनेस को काउंट करके दिखा देंगे. बेंथम ने ऐसा कहा, वॉचिंग सनसेट इज एन एक्टिविटी दैट गिव्स मी प्लेजर, आई शुड बी फ्री टू वॉच द सनसेट. टेकिंग ड्रग्स गिव मी प्लेजर, आई शुड बी फ्री टू टेक ड्रग्स. यदि किसी को ड्रग्स लेने से फ़ायदा हो रहा है, प्लेजर मिल रहा है, तो वो फ्री है ड्रग्स लेने के लिए. और किसी को सनसेट देखने से प्लेजर मिल रहा है, तो वो फ्री है सनसेट देखने के लिए. आप दोनों अलग अलग कंडीशन, सनसेट देखना ठीक है, उससे किसी को हार्म नहीं हो रहा, लेकिन अगर आप ड्रग्स ले रहे हैं तो आप इसको किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे. तो इसको चार तरीके से जो है मतलब क्रिटिसाइज किया गया. पहला, सच एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम इज नॉट अकम्पनीड बाय ए सेंस ऑफ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी. इस प्रकार के जो ये दूसरा वाला एक्ट है, ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी से कोई मैच नहीं करता है. Two, it violates the harm principle that one's exercise of liberty should not harm the life, liberty and possession of others that Locke qualifies his understanding of liberty with. अगर आप ड्रग्स ले रहे हैं और ड्रग्स लेने के बाद अपने घर में जाए और अपने बच्चे बीवी को मारें, तो एक प्रकार से दूसरे को हार्म पहुंचाना होगा. तो इस कारण से ये जो है फिर लाइफ, लिबर्टी और पोसेशन ऑफ अदर्स को हार्म पहुंचा रहा है. तीसरा, इसमें रीजन ये है कि बिकॉज द प्लेजर ऑफ वन पर्सन एंड द ड्रग एडिक्ट कैन कॉज पेन टू सेवरल पीपल, द यूटिलिटेरियन मैगजिम ऑफ द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर इज वायलेटेड. अब यदि तुम ड्रग्स ले रहे हो, एक इंसान ड्रग्स ले रहा है, लेकिन उससे उसको तो फायदा हो रहा है, लेकिन ये बहुत सारे अलग लोगों को पेन पहुंचा रहा है, तो यहाँ जो खुद यूटिलिटेरियन मैगजिम है कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, उसका वायलेशन हो रहा है. फोर, दिस अंडरस्टैंडिंग, द वेरी सिमिलर टू द हॉब्सियन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लिबर्टी, डज नॉट हैव द सोल क्वालिफिकेशन दैट हॉब्स सेट्स फॉर द एक्सरसाइज ऑफ फ्रीडम, नेमली सेल्फ प्रिजर्वेशन. सो द ड्रग एडिक्ट फ्रीडम to take drugs as it gives him or pleasure may even be a self-destructive move. अब ये बहुत हद तक जो ये यूटिलिटेरियन मैगजिम है, हॉब्स के जो लिबर्टी वाला नेचर है कि एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट्स होना चाहिए, बस एक्सटर्नल इम्पेडिमेंट्स होना चाहिए, उससे मैच करता है. लेकिन इवन हॉब्स के नेचर में ये था कि वहाँ लिबर्टी जो हम कर रहे हैं, जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, खुद को प्रिजर्वेशन के लिए कर रहे हैं. ठीक है, लेकिन इस मैगजिम में तो ऐसा है कि अगर हम ड्रग्स ले रहे हैं तो खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मूव में ही जा रहे हैं. तो थोड़ा बहुत हॉब्स से मैच करता है, लेकिन पूरी तरीके से मैच नहीं करता, क्योंकि यहाँ जो हम ड्रग्स ले रहे हैं या जो हम वाइन पी रहे हैं या अगर हम कुछ ऐसे चीज़ें कर रहे हैं जो हमको खुद नुकसान पहुंचा सकता है, तो वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव भी है. लेकिन हॉब्स में सेल्फ डिस्ट्रक्टिव नहीं था, वहाँ पे लिबर्टी एक्सरसाइज करना है कि सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए. ठीक, तो ये